बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं? अरे दाढ़ी बना रहे बाबा, हाँ। ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों पर बोला, क्या सोचा है? किस बारे में भैया जी? अरे चुनाव के बारे में। अच्छा, इस बार किस पार्टी को वोट देगा? अरे जो नेता लोग हमको खिलाएगा पिलाएगा उसी को वोट देंगे भैया। अरे पगला, मेरा मतलब है मैनुफेस्टो वगैरह देखता है कि नहीं चुनाव लड़ने वाले पार्टी का? मैनुफेस्टिवल? ये मैनुफेस्टिवल क्या होता है भैया? अरे मैनुफेस्टो नहीं जानते? अरे अरे चुनाव के वक्त जो नेता लोग जो देते हैं। अच्छा अच्छा, चुनाव के समय नेता लोग जो पर्ची बांटते हैं। उसी पर्ची में तो लिखा होता है चुनाव जीतने के बाद नेता लोग जनता के लिए क्या क्या करने वाले हैं, है ना? अरे क्या बताऊं भैया जी, मेरे छोटे बेटे को तो जानते हो आप। हाँ। बड़ा शरारती और बड़ा बदमाश है साला। जब भी कोई नेता पर्ची दे के जाता है वो साला उसको प्लेन बना के हवा में उड़ा देता है भैया। क्या बताऊं मैं, मेरा वो लौंडा और कुछ नेता लोग एक ही जैसे हैं भोला। है? तेरा वो बदमाश लौंडा चुनावी घोषणा पत्र को चुनाव के पहले प्लेन बना के उड़ाता है और कुछ नेता लोग चुनाव के बाद। दया भैया। जयराम भैया। हाँ हाँ बोल। भैया एक मदद चाहिए थी आपसे। मेरी मदद? वो मेरी बेटी है ना, उसका एडमिशन मैं किसी बड़े अंग्रेजी स्कूल में करना चाहता हूँ। वो कल मैं गया था भिलाई के जो बड़े स्कूल है जेडीएस पब्लिक स्कूल, वहाँ पे वो लोग बोले कि डोनेशन लगेगा 50,000 रुपया। मैं बोला कि सर मैं गरीब आदमी हूँ, किस्त किस्त करके दे दूंगा। वो बोले कि किस्त में नहीं पूरा एक मुश्त देना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है सर, मैं कैसे भी करके कर्जा बोड़ी करके दे दूं। फिर उन लोग पता नहीं क्या हुआ मेरे को ऊपर से नीचे तक देखे, फिर बोले कि क्या काम करते हो? मैं बोला साहब मैं स्वीपर आदमी हूँ, सफाई का काम करता हूँ। वो बोले कि ठीक है आपका एडमिशन नहीं हो सकता। दया भैया अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो, आपका तो पहचान मंत्री से कलेक्टर लोग के साथ उठना बैठना है। आप अगर सिफारिश करते तो मेरी बेटी के एडमिशन के लिए तो हो जाता। दया भैया तू इतने आगे की क्यों सोचता है? अरे क्या मतलब ऐसे बड़े स्कूल में पढ़ाने से जब कल तेरी बच्ची को जाके यही सब काम करना है? देख वो बड़े स्कूल है तो उन्होंने कुछ सोच समझकर ही तेरी बच्ची का एडमिशन रोका होगा। वो बड़ा स्कूल है, वहाँ अधिकारी डॉक्टर कलेक्टर मंत्री संतरी इनके बच्चे पढ़ते हैं। कल तेरी बच्ची से जब पूछा जाएगा उसका बाप क्या करता है तो क्या जवाब देगी वो? गटर साफ करता है? तू कुछ भी सोचता नहीं है। देख मेरी बात मान, तू अपनी बच्ची का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दे और जो पैसा एडमिशन का है उसको जमा करके रख अपनी उसी बच्ची की शादी के लिए, ठीक है? बहुत टेंशन में है, क्या बात है? एक बात मन में बहुत खलती है चचा, हम लोग जिंदगी भर गटर में नाली में उतर के कलेक्टर मंत्री सभी आम खास लोगों की गंदगी साफ करते हैं, कभी काम करते हुए ये नहीं सोचते कि ये अमीर आदमी की गंदगी है या गरीब आदमी की। लेकिन बात जब
मान सम्मान की होती है, समान अधिकार की होती है, तो हम लोग सबसे अलग क्यों हो जाते चाचा? जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है बेटा। हमारा देश उन्हीं अंतरी मंत्री कलेक्टर अधिकारियों से चलता है, वही लोग फैसला करते हैं कि किसकी किस्मत में क्या होगा। अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, तुम खुद क्यों अपनी किस्मत नहीं लिखते? अरे बनो कलेक्टर, अधिकारी, नेता, फिर देखो ये देश, ये दुनिया कैसे इस आधे पर चलती है तुम्हारे। एक जमाना था जब जूता, गंदगी, नाली साफ करने वाले लोग, इनके पास कुछ था ही नहीं, इतना सब चीज आसान भी नहीं था। लेकिन आज, आज हमारे पास संविधान का पावर है, बस जानने की और समझने की जरूरत है। तुम तो युवा हो, बदलो इस देश को, लड़ो चुनाव और बनो नेता। आपकी बातें सुन के उम्मीद तो जगती चचा, पर हम जैसे गरीब लोगों को वोट देगा कौन? वो लोग, हाँ वो लोग वोट देंगे, तुम्हारे जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, गरीब, मजदूर, लाचार, निर्बल। हाँ जब तक ये सोए हुए हैं तब तक ये लोग तुम्हें वोट नहीं देंगे, लेकिन जिस दिन जाग गए उस दिन तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। जिस दिन खुद पहचानेंगे अपने आप को उस दिन तुम्हें नेता चुनेंगे, क्योंकि तुम ही उनके दुख दर्द को समझने वाले हो, क्योंकि चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए लोग हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को, हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकेंगे। वो हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा सुखराम, वक्त आ गया है अपनी किस्मत को संवारने का, इस देश को संवारने का। उठो और लड़ो चुनाव और बनो नेता। के काम नहीं कर सकता क्या? माफ कर दो साहब, गलती से लग गई। हरामखोर, इतने महंगे कपड़े खराब कर दिया। साहब बोला ना गलती से हो गया, गाली क्यों दे रहे हो? चुप साले, इतने महंगे कपड़े तेरा बाप खरीद के देगा बे। साहब बोला ना गाली मत दो, वरना मैं गाली दूंगा ना तो यहीं खड़े खड़े नंगे हो जाओगे। आपके कपड़े में गंदी नाली की एक छींट के लग गई। आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कि आप अछूत हो गए। कभी हमारे बारे में सोचा है? तो जिंदगी भर आपकी की हुई गंदगी साफ करते हैं। क्या हुआ सुकरा, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हो, आज और किसी से बहस हो गई क्या? एक हलकड़ मिला था, ज्यादा ही बात कर रहा था। अरे सुखराम, ये काम धाम छोड़ और तू भीख मांगने की तैयारी कर। अब क्या हुआ बे नंदू? अरे तुझे नहीं मालूम, इस प्रशासन ने पूरे शहर की साफ सफाई का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया है, और अब हम सारे सफाई कर्मचारियों को इस प्राइवेट कंपनी के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगना पड़ेगा, और ये प्राइवेट कंपनियां अपनी सहूलियत के हिसाब से हमको तनख्वाह देंगी। अरे मतलब हमारी नौकरी अब सरकारी नौकरी नहीं रही? ये तो बहुत गलत हुआ यार। चुमन भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, चुमन भैया 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 जिंदाबाद, नमस्कार, चुमन भैया जिंदाबाद, चुमन भैया जिंदाबाद, चुमन भैया जिंदाबाद, चुमन भैया वोट नेताजी को ही जाना चाहिए, अगर इधर उधर हुआ तो। चुमन भैया जिंदाबाद, चुमन भैया जिंदाबाद, चुमन भैया जिंदाबाद, चुमन भैया जिंदाबाद, चुमन भैया जिंदाबाद। भाइयों तथा उनकी माताओं और बहनों, पिछले चुनाव में आपने अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे विधायक बनाया,
उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। मैं जानता हूँ इस इलाके में समस्याएं बहुत हैं, सब कुछ दूर होगा, इलाज के लिए अस्पताल, नेतागिरी कर रहे, मेरे पास ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे कार्य हैं, जिन्हें आपके बढ़ोतरी के लिए, आपके विकास के लिए जो बनाया हुआ है, उसे हम फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों से ये आग्रह है कि इस बार के चुनाव में पुनः हमें मतदान करके विधायक बनाइए, ताकि जो कार्य रुका हुआ है उसे पूर्ण कर सके। चुम्बन भैया जिंदाबाद, चुम्बन भैया जिंदाबाद। आप लोगों के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था हम करेंगे। काका जी, हमारी माता बहने दो दो किलोमीटर से पानी ला रही है, वो तकलीफ आज तक कोई नहीं देखा, और ये कहते हैं कि पानी ला लेंगे। आखिर सरकार 5 साल तक कर क्या रही थी? मैं इस क्षेत्र में मुफ्त बिजली की व्यवस्था जरूर करूंगा। देखो यहाँ चारों तरफ अंधेरा है और ये बिजली लाने की बात कर रहे हैं। बताओ, सरकारी हॉस्पिटल हाईटेक हो जाएंगे। चुम्बन भैया, इतने साल में तो कुछ नहीं कर पाए, और अभी अब क्या कर लेंगे? 5 सालों में तो अस्पताल बनाने की याद आ रही है इनको, तब तक तो लोग तड़प के मर जाएंगे। और इस पंचवर्षीय योजना में रोड तो जरूर बनवाएंगे। चुम्बन भैया जिंदाबाद। चुम्बन भैया बनाएगा रोड में गड्ढे बनाएगा। सही बोले भैया, अब वक्त आ गया है, हमें हमारे बीच के किसी आदमी को नेता बनाना चाहिए और उसे चुनाव में खड़ा करके उसे जितवाना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ अंकल, हमारे बीच में सुखराम को ही हमारा नेता बनाना चाहिए। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, सुखराम को ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार। इसलिए आपसे अनुरोध है, वे कुत्ते, सुना है तू चुनाव लड़ने वाला है चुम्बन सिंह के खिलाफ? औकात है तेरी? जानता है चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, दारू चाहिए। अरे कहां से लाएगा इतना पैसा? दारू, बिना दारू बांटे कोई चुनाव नहीं जीत सकता, समझा? तू अभी के अभी अपने मन से ये चुनाव जीतने का ख्याल निकाल दे, वरना तू तो गया रे। खत्म मुझे, वैसे भी ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है कि मैं सर उठा के मर जाऊं। हमेशा से हम तुम जैसे लोगों के तलवे चाटते आए हैं, तुम्हारे हर वो काम हम करते हैं जिसे करने में तुम्हें घिन आती है, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? तुम लोगों ने हमसे हमारा ही हक छीन लिया। ये सब हम चुपचाप देखते रहे, क्योंकि हमने कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं की। कौन देगा साथ तुझे? कौन देगा? हर वो लोग जो मजबूर है, शोषित है, हर वो लोग जो शहर की गंदगी साफ करते हैं, हर वो लोग जो ट्रेनों में, बसों में तुम्हारा बोझ उठाते हैं, हर वो लोग जो तुम्हारे घरों में तुम्हारे झूठे बर्तन और सड़कों पे तुम्हारे जूते साफ करते हैं, वो लोग जो तुम जैसे लोगों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का बोझ अपने कंधों पे उठाते, वो लोग मेरा साथ देंगे। मैं लड़ूंगा चुनाव और बदलूंगा अपने लोगों की किस्मत।